क्योंकि रजौरी में आपको याद होगा कि कल रात देर गए भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर के घर में धमाका हुआ था और उस धमाके के बाद कई लोगों के जख्मी होने की खबर आई और उन जख्मियों में तीन साल बच्ची भी जख्मी हुई थी जो बाद में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठी। रात देर गए ही एहतजाज के बीच आज रजौरी बंद यानी रजौरी टाउन को बंद करने की बात सामने रखी गई थी कई तंजीमों की तरफ से और आज बंद कॉल का असर खासा देखने को मिला है रजौरी के इलाकों के अंदर। लेफ्टिनेंट गवर्नर समेत वजीर अजम दफ्तर में जूनियर मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं समेत कई सियासी रहनुमाओं ने इस वाकये की इंतहाई मजम्मत की है और यह साफ कर दिया गया है कि इन वाकयात से जमहूरियत की जड़ों को जो कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं इससे जड़ें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत होंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, ये कब हो रहा है? जब यौम आजादी की तकरीब सामने है और रजौरी के टाउन के अंदर रात देर गई ये इंसिडेंट हुआ था जिसमें छह से सात लोग जख्मी हुए थे। जसबीर सिंह के घर में ग्रेनेड दागा गया था और आज बयानात का सिलसिला जब जारी हुआ तो वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जहां खिराज अकीदत पेश किया और गमजदा खानदान के साथ ताजियत की, वहीं पर साफ किया कि सियासी नेक्सस है मिलिटेंटों और सियासतदानों का नेक्सस है जिसकी वजह से सूरतेहाल अभी भी इस तरीके की बनी हुई है। उन्होंने कहा कि फौज, इंटेलिजेंस इदारे और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है और इस केस को भी बहुत जल्द हल किया जाएगा और उन लोगों की गिरफ्तारी होगी जो इसके पीछे है। 10% वोट्स लेकर एमएलए और एमपी बनने वाले लोग कभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर अमन नहीं चाहते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक बार फिर पलटवार करते हुए उन सभी लोगों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीधे चलते हैं जी, जमशेद मलिक इस वक्त हमारे साथ है। जमशेद, जरा अपडेट कीजिएगा कि पूरा दिन कैसे निकला और खबर यह भी है कि अब आईजी और ड्यूकॉम ने भी इलाके का दौरा किया है, गमजदा खानदान के साथ बातचीत की है, तो अब एट द एंड ऑफ द डे क्या कल टाउन रेस्टोर होगा या कल भी अभी बंद रहेगा और ये सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट रहेगी? देखो, और बिल्कुल जी सर, कल रात को ही कॉल कर दी गई थी कि राजौरी बंद की कॉल दी गई थी, उसके बाद राजौरी कंप्लीट बंद दिखाई दिया। इस वक्त हम राजौरी के बाजार में खड़े, आप हमारे पीछे का मंजर भी देख सकते होंगे कि मार्केट पूरी तरह बंद है। मगर आज सुबह जिस तरह प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ था उसमें काफी शिद्दत देखने को मिली, उसके बाद कहीं कहीं हल्की सी झड़प भी देखने को मिली जिसमें पुलिस की तरफ से रोकने की जरूर कोशिश की, मगर जिन लोगों में काफी गुस्सा था इसको लेके क्योंकि जिस तरह का ये अटैक हुआ अपने आप में एक बड़ा जहलाना अटैक लग रहा था जिसमें लोगों को काफी गुस्सा था, उसको देखते हुए लोगों की तरफ से जिस तरह कल सनातन धर्म सभा की तरफ से बंद की कॉल दी गई थी उसका असर आज बड़े पैमाने पर देखने को मिला और पूरा दिन आज राजौरी में प्रोटेस्ट होते रहे और प्रोटेस्ट के चलते चलते राजौरी में कई जगह पुलिस ने प्रोटेस्ट करने को रोकने की कोशिश की मगर लोगों में इतना गुस्सा था वो नहीं रहते। उसके बाद जरूर एक प्रोटेस्ट बड़ी शक्ल इसने अख्तियार की और उसके बाद ये पंजा चौक के नजदीक तमाम वहां जमा हुए लोग वहां भी प्रशासन के खिलाफ और पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते रहे क्योंकि जिस तरह ये मामला सामने आया था अपने आप में एक बड़ा मामला था क्योंकि राजौरी में इससे पहले इस तरह का मामला कभी देखने को नहीं मिला और बीजेपी के मंडल प्रधान के घर जब ये अटैक हुआ तो उसी वक्त लोगों का एक हजूम रात से ही जमा हो गया था मगर इसमें जिस जब छोटे बच्चे की जान गई उसमें भी लोगों काफी गुस्सा था और उसके बाद इसके जो प्रधान है और इनकी वालदा जो है इनको भी एयरलिफ्ट जम्मू कर दिया गया जी। तो अभी ये जो जसबीर जो कल जख्मी हुआ था आप कह रहे हैं उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, खबर यह है कि आज मुख्तलिफ पार्टी के लीडर्स वहां पर आए, उन्होंने लोगों से भी बात की और ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि आप पुरमन रहिए और पुलिस अपना काम जरूर करेगी, तो कौन कौन से लीडर वहां पर आए थे और कल की क्या कुछ सिचुएशन रहेगी? अब देखो, और भाजपा के लीडरों की आज सुबह से लाइन जरूर लगी हुई थी जिसमें रविंदर रैना जी भी स्टेट प्रेसिडेंट आए, उसके बाद आईजी जम्मू और डिविजनल कमिश्नर जम्मू भी राजौरी में पहुंचे जिन्होंने इंतजामिया के साथ बात की क्योंकि उससे पहले इंतजामिया की उन लोगों के साथ ही बात हुई है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें कुछ यकीन दहानियां करवाई गई हैं क्योंकि इंतजामिया की तरफ से लोगों से अपील की गई कि जो हमें आजादी की तकरीब में सिर्फ एक दिन बाकी है तो उसको देखते हुए लोग इंतजामिया का तावन करें और इंतजामिया पूरा इनका तावन करेगी, उसको देखते हुए लोगों ने इंतजामिया का तावन किया और उसके बाद जो बातें सामने आ रही हैं कि उसके बाद इंतजामिया की और इन लोगों के बीच में मीटिंग होगी और जो मुतालबात इनके होंगे उनको तस्लीम भी किया जाएगा, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। मगर उसके बाद आईजी और डिविजनल कमिश्नर ने राजौरी का दौरा किया, उन्होंने इंतजामिया के अफसरान के साथ एयरफील्ड के अंदर ही हालांकि
मीटिंग की है, बाहर नहीं आए, मगर अंदर मीटिंग जरूर हुई है। वो एक रिव्यू मीटिंग थी और सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग थी, क्योंकि राजौरी की अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों से इस तरह की वारदातें लगातार सामने आना शुरू हुई हैं, क्योंकि पिछले इसी महीने की अगर पूरे की बात करें तो इस महीने में जम्मू पुंछ हाईवे पर आईडी का मिलना, उसके बाद थन्ना मंडी में एक इनकाउंटर होना और उसके बाद बीजेपी के मंडल प्रधान के घर पर इस तरह हमला करना, आज भी आईडियाज मिली है, इस तरीके की भी खबर है। देखो, सरहदी जिला पुंछ के मैंडर के कोटा इलाके से 4 आईडी मिली है, जिनके बारे में जराये से अभी तक ये खबर है कि 1 किलो से ज्यादा की आईडी है और इसमें एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया। इसी इलाके अगर मैंडर की हम बात करें तो यहाँ चंद्रोज पहले 25,80,000 से ज्यादा रकम के साथ भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो कहा जाता है हवाला का पैसा है। और आज यहाँ से 4 आईडियां मिलना ये भी एक बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि यौमे आजादी को सिर्फ अब 2 रोज बाकी है, उसके चलते इस तरह की वारदातें राजौरी पुंछ में लगातार। एक लास्ट चीज आपसे जानना चाहिए, सनातन धर्म सभा ने कल यानी आज के दिन के लिए बंद की कॉल दी थी, तो क्या उनका उनकी बैठक हुई है प्रशासन के लोगों के साथ, और अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? क्या सिर्फ आज तक ही ये बंद था, कल रूटीन में काम होगा, कैसे क्या क्या कुछ प्लान है? देखो, और बिल्कुल कल से रूटीन में मार्केट दोबारा खुल जाएगी, क्योंकि जब प्रोटेस्टकारी बहुत ज्यादा जमा हुए थे उसके बाद इंतजामिया के खिलाफ, हालांकि नारेबाजी काफी हुई, मगर बाद में इंतजामिया के साथ एक फैसला भी पाया गया। वो फैसला यही है कि यौमे आजादी की तकरीब तक उन्होंने वक्त मांगा है कि वक्त दीजिए, उसके बाद जो आपके मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाएगा, जो जिला लेवल तक है उनको यहीं हल किया जाएगा, जो ऊपरली सतह तक है उनसे ऊपर तक रब्ता किया जाएगा। इंतजामिया के इन वादों के साथ और मजीद जो इनकी तरफ से मुतालबात रखे गए थे वो इंतजामिया ने पूरे करने का वादा किया है, तो उसके बाद ही लोगों ने हजूम अपने घरों की तरफ निकला, और उसके बाद उस छोटे नन्हे बच्चे 4 साल के उस बच्चे का आखिरी रस्मात भी पूरी की गई, और जिसमें लोगों में काफी आज गुस्सा देखने को मिला, क्योंकि जितना मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का मामला राजौरी में पहली बार सामने आएगा, जहाँ किसी लीडर के घर पर अटैक किया गया। और इस बहुत शुक्रिया जी जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए कि राजौरी के अंदर आज पूरे दिन सूरत हाल किस